Merry Christmas to you. Merry Christmas to all of you. What's your plan in Christmas Eve? Well, the plan is that we brought a बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट लेके आए आप सबके लिए जो क्रिसमस और न्यू ईयर दोनों का गिफ्ट है मीत बॉस की तरफ से आप सबको इट्स अ ब्यूटीफुल रोमांटिक ग्रूवी सॉन्ग ग्रूवी लव सॉन्ग एंड ये गाना इट्स कॉल्ड यारी वे और ये हम इसलिए स्पेशली इस टाइम पे लेके आए क्योंकि जो इस वक्त जो सर्दियों का माहौल होता है थोड़ी ठंडी हवा होती है गाना भी वैसा है उसको हमने ग्रीस में शूट किया है एंड इट्स अ वेरी कूल एंड अ हॉट सॉन्ग सो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू to release it so we've released it for you all for new year's pe or christmas pe aapke paas ek bahut acha gana hoga enjoy karne ke liye so what's the song all about so this song is about all the friends jo dost apne doston ko nahi bata pate ki unse kitna pyar karte hain aur hindustan mein kai baar hota hai ki log express nahi kar pate hain sab emotionally shy hote hain to wo ye gana play kar sakte hain apne mobiles mein और सेलिब्रेट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यारी वे चल इश्क में बदल दे चाहे वो यू नो दोस्तों का प्यार हो चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्यार हो तो इट्स अ मैसेज बिकॉज क्या है आजकल आपको मालूम है मूवीज़ भी मैसेज के साथ आती हैं लेकिन गाने बहुत कम मैसेजेस के साथ आते हैं तो ये हमने सोचा कि गाना बनाया जाए जिसमें हम एक मैसेज कन्वे करें साथ साथ कुछ वो भी करें साथ कुछ मैसेज भी स्प्रेड करें सो दैट वॉज द इंटेंशन एंड ये गाना हम लोगों ने कंपोज करा है हम लोगों ने गाया विद प्रकृति कक्कड़ एंड द हीरोइन व्हिच इज फीचर्ड इज लॉरेन हु इज द डांसिंग डीवा ऑफ एबीसीडी तो शी इज लुकिंग फैबुलस प्रकृति इज संग इट ब्यूटीफुली तो आई थिंक इट्स ये सांता क्लॉज की ब्लेसिंग है कि ऐसा गाना ऐसे टाइम पे आ रहा है पार्टी सीजन में आ रहा है एंड इफ आई गारंटी यू कि अगर आप इसको तीन बार सुनोगे गाने को तीन जैसे होता है ना दिन में तीन बार मेडिसिन लेनी होती है इट विल ग्रो ऑन यू different genre you have chosen for this song like aap hamesha party songs mostly prefer karte ho but this time it's a little different so how was the experience to opt for a different genre so ऐसा होता है कि हम जब गाने बनाते हैं तो मोस्टली फिल्म्स के लिए होते हैं तो हमें फिल्मों को ध्यान में रख के सिचुएशंस को ध्यान में रख के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को ध्यान में रख के गाने बनाने होते हैं तो जब भी फिल्म के लिए गाना बनता है तो वो फिल्म के लिए होता है जब इंडिपेंडेंट म्यूजिक आदमी करता है तो वो करता है जो वो खुद होता है क्योंकि वो एक प्योर फॉर्म ऑफ म्यूजिक है जैसा निकला वैसा अब तक पहुँच गया सो वी बोथ आर हमने आपको बहुत नचाया है पार्टी सॉन्ग्स पे बट इवेंचुअली हम वी आरसेल्व्स अ वेरी रोमांटिक एंड सॉफ्ट इन नेचर एंड वो आना बहुत ज़रूरी था बाहर क्योंकि वो हमारा रियल म्यूजिक है तो पार्टी सॉन्ग्स में इतना बिजी हो जाते हैं कि फिर वो करने का मौका नहीं मिलता और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को भी देखिए पार्टी सॉन्ग बहुत मुश्किल से मिलता है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक गुड पार्टी सॉन्ग्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग म्यूजिक सबसे टफ होता है ऐसा गाना कि जिसमें आप लोगों को नचा दें तो वो वाली बात जो होती है वो बहुत टफ होती है इसलिए वो उसमें कुछ ही लोग हैं जो बनाते हैं तो उन लोगों के पास पार्टी उस गाने का काम ज़्यादा रहता है बट वी आर रोमांटिक पीपल एंड वी वॉन्ट टू डू अ रोमांटिक सॉन्ग एंड दिस इज रोमांटिक बट ऑब्वियसली इसमें बीट एक इंटरनेशनल बीट हमने यूज की है मतलब इंटरनेशनल साउंडिंग बीट विच इज गोइंग टू मेक यू ऑल डांस सो लाइक व्हाई यू आर चूजिंग प्रकृति टू बी पार्ट ऑफ योर सॉन्ग सी वी वर्क विद डिफरेंट सिंगर्स वी वर्क विद डिफरेंट टैलेंट एंड प्रकृति और उसके सिस्टर सुकृति का सबसे पहला गाना उन लोगों ने हमारे साथ ही रिकॉर्ड करा था यू नो कनिका का भी पहला गाना हमारे साथ हुआ नेहा की पहली एल्बम हमारे साथ आई थी नेहा कक्कड़ की तो वी लव यू नो यूजिंग न्यू वॉइस इट गिव्स फ्रेशनेस टू अ सॉन्ग पहली बार गाना बहुत फ्रेश है सुंदर फ्रेश आवाज़ चाहिए थी और जैसे बॉस में हमने प्रकृति सबसे पहले गवाया था तो बहुत टाइम से हम चाह रहे थे कि उसको उससे हम कुछ गवाएं एंड वी ट्राई एंड कई बार ट्राई करो तो चीज़ अच्छी लग जाती है ज़रूरी नहीं है कि मुझे जो नोन को बहुत बड़ा ब्रांड हो तो उसी को यूज़ करना है एंड आकृति प्रकृति देर ऑल फैमिली फ्रेंड्स ऑल्सो तो वी थॉट वाई नॉट ट्राई इट एंड इट सूटेड वेरी वेल उसने बहुत जस्टिस किया उस मेलेडी को बहुत सॉफ्ट सूदिंग मेलेडी है ट्रॉपिकल फील है एंड यू नो द न्यू एज के जो आजकल ये प्रकृति जैसे सिंगर है इट्स अ वेरी यंग गर्ल तो दे कैन अंडरस्टैंड द वाइब तो वाइब्रेशन बहुत अच्छी करेक्ट आई है उसमें So, see the thing is कि
जो न्यू सिंगर्स आते हैं, हम लोग एक्चुअली जब हम लोग यहाँ 15 साल स्ट्रगल कर रहे थे, हमें कोई हेल्प करने के लिए था नहीं, तो हम लोग यूजली नए सिंगर्स को मिलते रहते हैं. 2 महीने में एक बार हम लोग रेगुलरली एज अ चैरिटी मिलते हैं कि चलो यार कुछ नहीं हुआ तो यू नेवर नो कौन सा टैलेंट कब निकला है. तो उसमें वी लुक फॉर न्यू वॉइस एंड नॉट दैट हम लोग यू नो महीने में हमारे 2 या 3 गाने ही बना पाते हैं हम लोग तो, और सिंगर्स लाखों करोड़ों में, तो दो 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 तीन में से एक दो गानों में ही हम आवाज़ नहीं ट्राई कर सकते हैं. तो रेशियो बहुत कम है नई आवाज़ को लॉन्च करने का, बट कोशिश होती है एंड वी सी अ गुड टेक्सचर. तो अगर आपके जो व्यूअर्स हैं, अगर वो उनके फ्रेंड्स और वो लोग सिंगर्स हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका टोन और टेक्स्चर थोड़ा अलग होना चाहिए. गायकी तो सब सीख ही लेते हैं अपने गुरु से, लेकिन फील, इमोशन, एक्सप्रेशन और टोन बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट हमारा जो नया गाना है यारी वे, हम चाहते हैं कि इसके आप जो डांस अच्छा करते हैं उसके डांस कवर्स बनाएं, और जो अच्छा गाते हैं उसके सिंगिंग कवर्स बनाएं, बिकॉज वी आर ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर टैलेंट. जो हम अपने वीडियोज़ के लिए हमें परफॉर्मर्स चाहिए और हमारे गानों के लिए हमको सिंगर्स चाहिए, तो आप यारी वे के कवर्स बनाइए. अपने मोबाइल से बना सकते हैं आप लोग, मोबाइल से बनाइए, कैसे भी बनाइए, ज़्यादा उसमें सिर्फ हम आपको देखना चाहते हैं, आपका टैलेंट देखना चाहते हैं. सेंड अस योर वर्जन एंड जो जो हमें अच्छा लगेगा विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू गाइस. मीत ब्रोस फेसबुक पेज है हमारा ऑफिशियल हैंडल, वहाँ पर आप अपने भेजिए. और आप ये भी कर सकते हैं कि हमारा एक कॉन्टेस्ट है, डेडिकेशन कॉन्टेस्ट, की एक रोमांटिक गाना है, तो आप अपने फ्रेंड्स को या अपनी गर्लफ्रेंड को या किसी को भी गाना है, गाने की एक लाइन डेडिकेट करिए यारी वे की और उसमें हैशटैग यारी वे करके हमें करिए, तो जिसकी डेडिकेशन हमें सबसे अच्छी लगेगी. आप अपना एक कोई सेंटेंस भी लिख सकते हैं कि फॉर द फ्रेंड, बाय द फ्रेंड, यारी वे. तो अपना जो एक डेडिकेशन अपने दोस्त को देंगे, हमें जिसकी डेडिकेशन सबसे अच्छी लगेगी उसके साथ वी मीट अप फॉर मीट एंड ग्रीट फॉर कॉफी इन आवर स्टूडियो. सो be in touch with us on Meet Bros Facebook page. Amazing. Nice concept. Really appreciate for that. Thank you. Obviously, it's very important कि आज की डेट में personal connect हो. जो लोग ये वीडियो देखेंगे, जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, तो एक बार जाके वीडियो देखिएगा पहले, और like मैंने बोला 3 बार सुनेंगे वीडियो को तो आपको अपने आप ग्रो करेगा आप पे गाना. Okay, so did you follow Big Boss? Because काफी आकाश आपके बारे में जिक्र करता है, चिट्टिया कलाइया में आपके पार्ट रह चुके काफी, वो घर में बस यही बोलते रहते हैं कि चिट्टिया कलाइया में वो पार्ट थे. सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट दैट? देखिए, वो उसका घर में रहना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत एंटरटेनिंग है, तो उसको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा. हमने भी उसको माफ़ कर दिया, आप भी उसको माफ़ कर दीजिए. लेट हिम जस्ट स्टे देयर एंड से व्हाटएवर ही वांट्स. नहीं, बट लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड अस दिस क्वेश्चन एंड यू नो इट्स वेरी सिंपल कि ही इज़ लाइक अ लिटिल ब्रदर. बिकॉज वो जब आया था बॉम्बे में किसी को नहीं जाता था, तो हमारे पास आया था और मैं उसको बोला था कि कुछ लिख के दिखा, लेकिन वो जो उसने लिखा हमें समझ नहीं आया एंड वी सेड कि चल तू अगली बार ट्राई करना. तो आई थिंक वो बात उसके दिल में रह गई कि यार मैंने चिड़िया कलाइया के लिए कुछ लिखा, और अगर उसने एक्चुअली लिखा होता तो उसका नाम हम लोग क्रेडिट में जरूर देते. कुमार ने लिखा था और कुमार का नाम क्रेडिट में है क्योंकि जो लिखता है उसी का नाम आता है. सो और आकाश का वही सिंपल लॉजिक है, सिंपल कॉमन सेंस है कि उसका उसके बाद मतलब आज तक कोई उसका गाना आया ही नहीं है, तो अभी उसको सीखना है बहुत एंड आई एम श्योर वो सीखेगा, बहुत अच्छा करेगा. लेकिन अगर उसने लिखा होता तो ऐसे चिट्टिया कलाइया के बाद 10 गाने उसको और मिल गए होते, और ये कॉमन सेंस है, उसको एक भी गाना नहीं मिला पिछले 3 साल से. सो वील स्टिल हेल्प हिम एंड वील ट्राई एंड यू नो मेक श्योर कि कुछ करे वो अच्छा, बट ही इज अ गुड बॉय एंड दिल का साफ लड़का है. तो दैट्स ऑल. सो वो घर में भी रह के काफी रैप्स बनाते रहते हैं, तो हाउ यू लाइक उनका रैप, कैसा लगता है आपको? उसके रैप समझ में आ जाए तो अच्छे लगेंगे. सी एमेच्योर एक लेमैन के हिसाब से अच्छा लगता है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं आज की डेट में प्रोफेशनल वर्ल्ड में, तो हम देखते हैं कि लेजेंड्स होते हैं जैसे हनी सिंह, बादशाह, इतने अच्छे अच्छे से राइटर्स हैं, आप उनसे कंपेयर, हम लोग तो उन्हीं के स्टैंडर्ड पे चलना चाहते हैं ना भाई, कि हमारा एक टॉप हमारे सर्कल का एक स्टैंडर्ड रैपर हम लेंगे तो ऑब्वियसली वो एक क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें वर्ड क्लैरिटी होनी चाहिए, रफ्तार जैसे कितना अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो उससे आदमी रिलेट करता है जो उसमें बातें बोली जाती हैं. तो इसलिए सबसे पहले तो उसको हम ये समझाते हैं कि हमें स्पीच क्लियर करके, तो क्या बोलता है समझ नहीं आता उस, तो रैपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्यून तो है नहीं, बोल रहे हो आप, तो जब बोल रहे हो वही नहीं समझ में आएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी. तो वही है कि मतलब वो उसको आकाश को अभी क्योंकि वो इतना पॉपुलर हो गया है, हम चाहते हैं कि वो जेन्युइनली फील करके लिखे, वो फटाफट लिखना चाहता है, फटाफट करना चाहता है. तो हमने उसको बहुत समझाया, उसको साथ अपने शोज में भी ले गए, लेकिन आई थिंक कुछ थोड़ा माइंड पे समय के साथ ही कंट्रोल नहीं है उसके माइंड, समय के साथ ही होता है, समय के साथ हो जाएगा, हो जाएगा. So, I think romance is the name of the game, is the flavor of the season for Meet Bros. क्योंकि हमारे अंदर जो बचपन से रोमांस दबा हुआ है, कहते ना जैसे हमारे एक मेरे फेवरेट एक्टर हैं बमन ईरानी जी,
उन्होंने 40 years पे जाके एक्टिंग शुरू करी, उससे पहले फोटोग्राफी करते थे. तो वैसे ही हमारा हम लोग पार्टी सॉन्ग्स में इतने ज़्यादा हमारा नाम हुआ है कि 2018 विल बी ऑल अबाउट रोमांस. एंड फॉर पब्लिक आई थिंक आर प्रेडिक्शन एंड आर ओपिनियन इज कि इट शुड बी अबाउट नाइसनेस एंड ऑनेस्टी एंड स्प्रेडिंग लव. या स्प्रेडिंग लव टू योर फैमिली मेम्बर्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स बिकॉज दे आर योर गॉड्स. उनकी वजह से आप बैठे हैं. अगर हम भी यहाँ बैठे हैं तो हमारे माँ बाप की वजह से बैठे हैं, नहीं तो हम यहाँ आते ही नहीं कभी.